नमस्कार दोस्तों, सुधा की रसोई में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अपनी रसोई बनाने जा रही हूँ चने और आलू की चटपटी सब्जी, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। और चने की सब्जी को हम पराठे या चावल के साथ बड़े ही चाव से खा सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और घंटी का बटन जरूर ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं, वह आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, अब वीडियो को लंबा ना करते हुए, हमें चने की सब्जी बनाने के लिए किन किन सामग्रियों की आवश्यकता पड़ेगी, मैं वह आपको बता देती हूं। जिसमें मैंने 3 आलू को काट कर ले लिया है। फिर उसके बाद मैंने लिया है 100 ग्राम भिगोया हुआ चना, 2 कटे हुए टमाटर, 1 कटा हुआ प्याज, 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और सब्जी बनाने के लिए सरसों का तेल मैंने ले लिया है। फिर उसके बाद मैंने मसालों में लिया है 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हींग पाउडर और स्वादानुसार नमक मैंने ले लिया है। दोस्तों, यह थी हमारे चने आलू की सब्जी में पड़ने वाली सभी सामग्री। तो फिर अब देर न करते हुए हम फटाफट चने की सब्जी बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। जिसके लिए सबसे पहले हमें गैस चलाकर कढ़ाई को गैस पर रख देना है। और रखने के बाद हम कढ़ाई में तेल डालेंगे गर्म होने के लिए। दोस्तों, अब हमारा तेल गर्म हो गया है। फिर हम तेल में जीरा, कटा हुआ प्याज, कटी हुई हरी मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर हम प्याज को हल्का सुनहरा होने तक भूनेंगे। दोस्तों, अब हमारा प्याज हल्का सुनहरे कलर का हो गया है। फिर हम कढ़ाई में आलू और चना डालकर 5 मिनट के लिए अच्छी तरह भूनेंगे। दोस्तों, अब हमें चलाते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। फिर अब हम मसाले डालेंगे, जिसमें हम सबसे पहले डालेंगे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हींग पाउडर, टमाटर और नमक डालकर हम मसाले और टमाटर को अच्छी तरह से मिला देंगे। दोस्तों, अब मैंने मसाले और टमाटर को अच्छी तरह से मिला लिया है। फिर हम सब्जी को 10 मिनट के लिए ढक देंगे, ताकि हमारे मसाले भी सब्जी के साथ अच्छी तरह से पक जाएं। दोस्तों, अब 10 मिनट हो गया है। फिर हम ढक्कन हटाकर सब्जी को चलाएंगे। और चलाने के बाद हम कढ़ाई में 2 कटोरी पानी डालकर हम सब्जी को 15 से 20 मिनट के लिए ढककर और पकाएंगे, ताकि हमारी सब्जी अच्छी तरह से पक जाए। दोस्तों, अब 20 मिनट हो चुके हैं। फिर हम ढक्कन हटाकर सब्जी को चलाएंगे। और चलाने के बाद हम अपने चने और आलू को दबाकर चेक कर लेंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आलू और चने को उंगलियों से दबाया, तो हमारे चने और आलू दबाने पे फूट जा रहे हैं। तो इसका मतलब हमारे चने और आलू की सब्जी बनकर तैयार है। फिर हम सब्जी में बारीक कटी हुई हरी धनिया डालकर गैस को बंद कर देंगे। और दोस्तों, कभी भी आपको ऐसी चटपटी चने और आलू की सब्जी खाने का मन करे, तो एक बार मेरे बताए हुए आसान तरीके से सब्जी बनाकर जरूर खाइए। और सुधा की रसोई में अपना कमेंट शेयर कीजिए कि आपको मेरी बताई हुई चने और आलू की सब्जी की रेसिपी कैसी लगी। और दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।